वेलकम टू गंगा सागर। नया साल का जनवरी का महीना आ ही गया, मकर संक्रांति आ ही गया, मतलब अभी होने वाला है गंगा सागर यात्रा। देश देश से लाखों लाखों लोग आने वाले हैं गंगा सागर। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा गंगा सागर का टूर डिटेल्स बता दिया जाएगा, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। तो आप लोग अगर आ रहे हो हावड़ा स्टेशन से, तो हावड़ा से आ जाइए सियालदह स्टेशन तक, एंड उधर से ट्रेन पकड़ के आ जाइए काकदीप या कैनिंग कोई भी स्टेशन में। देन आप लोग उधर से टोटो ऑटो पकड़ के आ जाइए लॉट आठ का घाट। आप लोग किसी भी टोटो ड्राइवर को बोलेंगे तो आप लोगों को पहुंचा देगा। ये आप लोग अगर बस पे आ रहे हो तो हावड़ा धर्मतला से बस पकड़ के बौखाली काकदीप कोई भी बस पकड़ के आ जाइए नतून रास्ता मोड़ या काकदीप बस स्टैंड। उधर से आप लोग टोटो ऑटो पकड़ के सेम रूट से 10 रुपये करके पर पर्सन दे के आ जाइए लॉट आठ का घाट, जिधर से स्टार्ट होता है गंगा सागर यात्रा का स्टार्टिंग। ये जो घाट है गंगा सागर जाने का, मतलब कोचुबेड़िया घाट जाने का जो घाट है वही घाट, इधर से कोचुबेड़ जाने का जो फैसल वगैरह चलता है उसका। लॉट आठ का घाट से अभी 9 रुपये करके पर पर्सन दे के आ जाइए कोचुबेड़िया घाट तक। कोचुबेड़िया घाट मतलब सागर का जो द्वीप है उसका एक प्रांत है कोचुबेड़िया घाट एंड दूसरे प्रांत पर सागर। तो अभी जो डिटेल्स है पूरा का पूरा देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो गए 7:07 और हम लोग हैं गंगा सागर में। कल रात को आए थे तो वीडियो नहीं बना पाए। अभी सामने आप लोगों को देख रहे हैं कि गंगा सागर का जो फेरी घाट है, हम लोग उधर ही होटल में रहे थे। तो फेरी घाट का लोकेशन देख लीजिए पूरा, तो फेरी घाट जिसको बोलते हैं पूरा भीड़ देखिए। तो ठीक है, अभी हम लोग टोटो में बहन के पूरा जाएंगे सागर तक। अभी जो है घाट का जो मेन रोड है, मेन रोड पे हम लोग हैं। इधर से आपका जो सागर का डिस्टेंस है आपको 30 से 32 किलोमीटर के अंदर होगा शायद। एंड जिसका बास का जो फेरिंग है वो आपको 40 रुपये करके मिल जाएगा, एंड टोटो वगैरह का तो 60 रुपये 50 रुपये ऐसा लेता है। तो वो आप लोग बार्गेनिंग कर लोगे तो आप लोगों को ठीक ठाक से मिल जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को दिखाते हैं सामने आपको सागर का जो गेट है कैसा है। आपको आने के बाद देखिए इधर मिल जाएगा वेलकम टू सागर आइसलैंड का गेट। जैसे आपका कपिल मुनि का जो आश्रम है वो आपको 30 किलोमीटर में मिल जाएगा, गेट देख पाएंगे। एंड इधर से पूरा एक ही रोड है, सिंगल रोड, इसी रोड पे आप लोग जाएंगे तो आपको गंगा सागर मिल जाएगा। आपका जो है गंगा सागर जो है, एक बात बताते हैं, वो जो एक पूरा द्वीप है, द्वीप का एक प्रांत में आपका जैसे कोचुबेड़िया का घाट है और एक प्रांत में गंगा सागर है। एंड ये देख रहे हैं इधर आपको जो कल रसमेला हुआ था उसका अनुष्ठान वगैरह जो हुआ था उसके लिए था, इधर एक था और भी एक था, दो जगह में हो रहा था। अभी जो है हम लोग सागर में पहुँच गए, पूरा जो गंगा सागर जिसको बोलते हैं उधर हम लोग अभी पहुँच गए। एंड अभी अगर बस पे आओगे तो आपको जो 45 मिनट के करीब तो लगेगा ही लगेगा, एंड टोटो में आओगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा। हम लोग का जो है टोटो में हम लोग आए, टोटो में आने का जाने का जो फेयरिंग है, हम लोग 6 जन एक साथ आए थे तो हम लोग का जो है सबका इंडिविजुअली जो मिला है सबको मिला के 600 रुपये में अप डाउन। भैया का एक चीज़ अच्छा लग रहा है, भाई अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ टोटो चलाते हैं अर्निंग के लिए, तो अच्छा लगा। आपको कांटेक्ट कर देंगे, आप लोग इधर से कांटेक्ट करके आप आओगे, आप लोग को पूरा का पूरा जो सागर है एंड जितने भी विजिटिंग स्पॉट है सब जगह घुमा देगा। एंड अभी हम लोग को बहुत भूख लग रहा है तो सामने आप लोग को जो है एक खाने का उधर देख पाएंगे, एक ये मिला है घर, तो खाने का होटल है तो उधर हम लोग खाएँगे। देख पाएंगे परोठा बन के रेडी है, एंड अभी इसको लास्ट में जो फिनिशिंग है एकदम पीटने का जो काम है वो अभी देख पाएंगे आप। देखिए कैसे पीट के रेडी होता है परोठा, इसको हम लोग जो बंगाली में बोलते हैं पिटाई परोठा। देखिए तो अभी खाने का टाइम, बहुत भूख लग रहा है हम लोगों को, एकदम गर्मा गर्म परोठा लेके पहले खाएंगे थोड़ा मिठाई का जूस देके। हम लोगों को पहले बताए थे इधर का जितना भी तरकारी का जो ऑप्शन है सब आपको भेज में मिलेगा, आपको कोई प्याज वगैरह जो वो भी नहीं मिलता है इस पर देने के लिए, पूरा निरामिस में मिल जाता है। सागर में आके पहले चले गए सागर के आसपास साइट सीन करने, एंड इधर पास में चले गए सागर का हेलीपैड मैदान में। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं सागर का हेलीपैड मैदान कैसा है। जो है हम लोग जो है गंगा सागर हेलीपैड मैदान में आ गए, बहुत बड़ा ग्राउंड है और मेरे पीछे देख पाएंगे इधर आपको जो
बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है गंगा सागर हेलीपैड लॉन्च नाम का इधर ऑफिस है मेनली हेलीपैड का। एंड आपको जो हेलीपैड का जो ग्राउंड वगैरह है सर्किल जो है तीन वो तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल। तो जितना भी वीआईपी पर्सन है जैसे मंत्री वगैरह आता है कि सीएम वगैरह जो भी इधर आते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह तो सब इधर ही हेलीकॉप्टर से इधर ही आके रुकते हैं और इधर से उसके बाद गंगा सागर में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, इधर मंदिर वगैरह दर्शन में जाते हैं। एंड मंदिर तो आप लोगों को अभी तक मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वो लास्ट में दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। इसके बाद आप लोगों को मैं गंगा सागर जो है उसको भी दिखाऊंगा एंड दो तीन लोकेशन भी दिखाऊंगा एंड देन आप लोगों को आपको कपिल मुनि का जो आश्रम है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, मज़ा आएगा। इधर आपको जो है गंगा माया का एक मूर्ति दिखा हुआ देखेगा एंड साइड में देखिए ड्राम वगैरह जो है आप लोग ड्राम वगैरह लेके गंगा का जो पानी वगैरह लेके घर ले सकते हो। अरे राम को क्यों राम को अच्छा ये बोड़ो बोला आपको 20 एंड 30 ऐसा क्या मिल जाएगा ना वाला 50 रुपये बस जितना साइज वगैरह उसके ऊपर प्राइस आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। अंकल आपका एज कितना है अभी? 75 70। आपका घर कटियार बिहार? बिहार से आए कल? आज ही आए क्या? कल आया। अच्छा अच्छा देखिए दादाजी आए उनके दादी भी आए सब बिहार से आए। अच्छा आज क्या अभी तक पूजा देंगे अभी जाके ना के स्नान करके? अच्छा। कल मंदिर गया था। ये लेके कितने बार आए? पहली बार आए। अच्छा तो ठीक से घूमिए, हम भी पहली बार आए। आप कहाँ से हैं? हम लोग इधर से वेस्ट बंगाल से ही है। अगर वीडियो आपका आएगा चैनल में वेस्ट बंगाल का हमें हल्दिया हल्दिया से हम लोग। अच्छा वीडियो आएगा जल्द, चैनल का नाम है ब्लॉगग्राफर YouTube में ब्लॉगग्राफर BLOGRAPH फोटोग्राफर होता है ना ब्लॉगग्राफर। थैंक यू, सर्च कर लेंगे आपका वीडियो भी मिल जाएगा। सो नाइस, सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू। ओए नु ठंडा लागे नि ठंड कर दे तीन बार। तो देखिए नदी का जो लहर है कितना क्या सुंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए ठंडी ठंडी पानी है और उन लोग चले गए गहराई में पर हम तो नहीं जाएंगे। पूरा देखिए सूट पहन के हम लोग अभी खड़े हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ऐसे ही लहर में साइड में मजे लेंगे हम थोड़ा। देखिए इन लोगों थोड़ा देख लीजिए सब डुबकी ले रहे हैं। अभी गंगा सागर के बारे में अगर कुछ बात किया जाए तो जो सागर है आपका गंगा एंड बे ऑफ बंगाल जो है उसको मिला के आपको जो है गंगा सागर होता है। एंड गंगा सागर जो है एक द्वीप है, मतलब बहुत दिन से इधर पली जम के एक द्वीप बन गया। एंड इसी द्वीप में जो है हमारे कपिल मुनि जी इधर आए थे, इधर आके खुद का आश्रम बनाए थे, उसके बाद इधर से कपिल मुनि आश्रम हुआ था। एंड उसके जो भक्तजन जो थे कपिल मुनि का आश्रम जो है बाढ़ में उस समय टूट गया था, तो उसके बाद उसके जो भक्तजन थे उन लोगों ने फिर से एक नया रूप में कपिल मुनि का एक मंदिर बनाया और इधर एक आश्रम बनाया जिधर आपको जो है निःशुल्क में आप लोग रह पाएंगे। इधर सबका नहाना कंप्लीट हो गया पूरा, पर मैं थोड़ा नहीं नहाया कल से थोड़ा ठंड लग रहा है तो मैं थोड़ा सा गंगा जल अपने माथे में छिड़क के उसके बाद जाऊँगा। फिर धरो तो ब्लॉगग्राफर आप सर्च कर लेंगे मिल जाएगा। अभी आएगा शायद एक सप्ताह से लग जाएगा घर जाने पे वेट करने में, हम भेज देंगे उसके लिए। थैंक यू। देखिए गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाता है पर मेरे को जो मानना है मेरा जो बात है थोड़ा अलग है, थोड़ा सा लोग बुरा लग सकता है कि मेरा जो है गंगा में स्नान करके मेरे जो यादव में लगता है कि कोई पवित्र नहीं होता। आपका सोच अगर पवित्र नहीं होगा तो कभी पवित्र नहीं होगी। गंगा में स्नान करके आपका बॉडी पवित्र होगा पर आपका सोच नहीं,
तो सोच पवित्र कीजिए, ठीक है, सबके साथ मिलिए, झगड़ा कम कीजिए, शरीर में हिंसा कम रखिए, तो आपका शरीर पवित्र होगा, तभी आप पवित्र हो जाओगे। अभी हम लोग थोड़ा ड्रेस वगैरह करेंगे, उसके बाद जाएंगे पूजा देने। सामने देख पाएंगे आपको जो डाला अखंड पर लिखा हुआ है, गेट नंबर 1-2 ऐसे नाम का। इधर आपको जो है इधर आपको जो है पूजा का जो फूल वगैरह जो है, मतलब जो प्रसाद वगैरह है, वो आप लोग इधर से खरीद पाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टोर है, इसके अंदर पूरा स्टोर है, पर ये सब अभी बंद है। सामने गंगा सागर का जो मेला आ रहा है, उस टाइम पे तो सब कुछ का भीड़ एकदम लग जाएगा। काउंटर के होंगे प्राइस एक बोला तो। अच्छा, तो चलिए डाली खरीद ली हम लोगों ने, अभी जा रहे हैं मंदिर में पूजा देने के लिए। तो चलिए आप लोगों को मंदिर में दिखा देते हैं, पहले तो मंदिर देख लीजिए। मेरे पीछे देख रहा है, ये जो मंदिर है यही है कपिल मुनि का मंदिर, पूरा देख लीजिए मंदिर। ऐसा आपको एक सुंदर सा मंदिर मिल जाएगा एक गंगा सागर द्वीप के अंदर, क्या सुंदर आपको मंदिर देखने को मिलता है। तो ठीक है, अंदर तो वीडियो करना अलाउ नहीं है, तो पूजा देके आते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो अंदर का आप लोगों जो है जितना भी मूर्ति है मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, एंड जो दिखाने का नहीं रीज़न था उसका था कि इधर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, पर अलाउ नहीं है फिर भी मैं चाहता तो आप लोगों को दिखा देता, पर अगर नया वीडियो में आप लोगों को मूर्ति दिखा दूंगा तो लोग आएंगे कैसे, आके देखिए। ये देखिए मेरे सामने जो है पवित्र धाम गंगा सागर का, आपको जो है अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी और निर्वाणी आपको लिखा हुआ देख पाएंगे। एक निःशुल्क धर्मशाला है, इधर आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रह पाएंगे, रात को जो है इधर स्टे करने के लिए गंगा सागर में फ्री ऑफ कॉस्ट आप इधर स्टे कर पाएंगे। इतना बड़ा देखिए लोकेशन, एरिया कितना बड़ा है देख पाएंगे, बहुत बड़ा एरिया लेके आपको धर्मशाला है, बहुत लोग इधर रुके हुए हैं, इतना बढ़िया एरिया में आपको जो है रूम मिल जाएगा। তো হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখন পৌঁছে গেছি একদম গঙ্গাসাগরের সামনে ফেরিঘাটে, কচুগুড়া ফেরিঘাট যেটা আর যেটা মেন ঘাট, এখান থেকে যায় গাড়ি, আর আমরা টোটোয় করে গেছিলাম, দাদা টোটোয় করে, ঠিক আছে, দাদা টোটোয় তোমরা যাবে, গেলে তোমাদের একদম কম খরচে পুরো ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে, তাদের নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, কন্ট্যাক্ট করলে তোমাদের যাবে, আর আমার নাম যদি বলো আরও কিছু ডিসকাউন্ট করে দেবে, ঠিক আছে, আর ভালো করে তোমার সব কিছু ঘুরে দেবে। দাদা নাম্বারটা একবার বলে দাও তো, নাম্বারটা বলো 8967995280। নাম্বার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমার নামটা? আমার নামটা শেখ সাহেল। ঠিক আছে, শুধু শেখ সাহেল নাম, তোমরা ফোন করবে, তোমাদেরকে পুরো যা কিছু আছে ওখানে কপিল মুনি আশ্রম যতগুলো ঘোরার জায়গায় যা কিছু সব কিছু তোমাদেরকে গাইড করে দেবে ভালোভাবে, আর কোনো এক্সট্রা কোনো পয়সা কিছুর ব্যাপার নেই, ঠিক আছে, যে টাকাটা নেবে সেটাই অরিজিনাল, আর খুব কম খরচে ঘুরে দেবে, অন্যান্য গাড়ি ফাড়ির তুলনায় অনেক কম খরচ। ঠিক আছে, কথা কথা করো, হ্যাঁ যাও, তাহলে ভালো ঘুরে, ঠিক আছে। তোমার ইউটিউবের নাম কি? হ্যাঁ, আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে ব্লগ্রাফার, ব্র্যান্ড প্রমোশন করে নিই একটু। তো 12:30টার গাড়ি ধরে আমাদেরকে বাড়ি যেতে হবে, অবস্থা খারাপ। তোমরা বাসে করে যদি আসো না, বাসে ভাড়াটা 40-80 টাকা নেয় ঠিকই, মানে যাবো আসা নিয়ে 40-80 টাকা এরকম খরচ, কিন্তু বাসে তোমার ঠিকমতো ঘুরতে পারবে না, টোটো করে সব জায়গাগুলো ঘুরতে পারবে মেনলি। আর যেটা হলো বাস, এখানে যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে বাস যদি পুরনো ভর্তি হয় তাহলে ছাড়বে না। অ্যান্ড আপলোক আগার আমি এক অর এক ইনফরমেশন দিয়ে যায় কি যে হ্যাঁ, ডিসেম্বরকে 5 তারিখ সে আপনার সাগর মে গঙ্গা আরতি স্টার্ট হোনে বালা হ্যাঁ। তো আপলোক আগে দেখনা চাহতে হো তো সাগর ঘুমনে আইয়ে অ্যান্ড দেখিয়ে অ্যান্ড মন্দির দেখিয়ে আপ লোক আচ্ছা খাসা আচ্ছা লাগেগা, এ মেরা এক আপকো গ্যারান্টি হ্যাঁ কি আপলোক আচ্ছা লাগেগা মন্দির দেখনে কো, তো ঘুমনে আইয়ে আচ্ছা খাসা জগা হ্যাঁ। অ্যান্ড গঙ্গা গঙ্গা সাগর কাজ মেলা হ্যাঁ, আপ লোক ইতনা আগে পাতা নেই তো মে বতা দেতা হু কি মেলা কাজ টাইম হ্যাঁ, আপকো মকর সংক্রান্তি কে টাইম হতা হ্যাঁ স্টার্ট, অ্যান্ড জো হ্যাঁ কি জানুয়ারি কে 15-14 তারিখ সে আপকো মেলা স্টার্ট হো জাতা হ্যাঁ, তো উসি টাইম কো বহুত ভিড় হতা ইধার, যা ঘাট মে ভিড় দেখ রো না, এ ভিড় আবি যো ঘাট দেখ রো এ ভিড় কুছ নেই হ্যায় উস টাইম, और भी ज़्यादा से ज़्यादा घाट हो जाता है एंड भीड़ इससे भी ज़्यादा होता है। पर है यही है गंगा सागर का फेरी घाट, देखने में ऐसा ही है गंगा सागर फेरी घाट, ये देखिए बहुत यात्री आए हैं दूसरे प्रांत से,
जो लोग गंगा सागर जा रहे हैं अभी, बात करते हैं कि अगर इधर से आने का गंगा सागर से आप अगर अभी घर जाने के पद में घर जाओगे के भैया आने का जो भाड़ा है आपका लॉट आठ से लॉट आठ नंबर घाट से आने का तो आपको 9 रुपये करके पर पर्सन लगता है आने के लिए। और बाइक लेके आओगे तो उसके 8 गुना मतलब 72 रुपये करके लगता है आपको आने के लिए। एंड जाने के अलग पैसा है आप लोगों का। हम लोग तो जा रहे हैं घर की तरफ। हो गया हमारा जो घूमना था आज का पूरा दिन, अभी शाम की तरफ घर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। एंड अगर कुछ वीडियो से आप लोगों को अगर दिक्कत अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, चैनल को वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सबके साथ शेयर करिए। कि जो लोग जनवरी में गंगा सागर आ रहे सोच रहे हो मकर संक्रांति का टाइम, तो कमेंट में जानिए कौन कौन आना चाहते हो। मेरे को जितना पता है मैं जितना कवर कर सकता था आज तो उतना कवर किया आज के लिए। तो चलिए टाटा बाय बाय।